बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की एक बड़ी बीमारी होती है। आज का टॉपिक है टॉन्सिल्स, इसको टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। बच्चों के गले के अंदर टॉन्सिल बढ़ जाते हैं और वो हर वक्त बीमार रहते हैं, उनकी ग्रोथ भी नहीं होती और उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन और मसाइल का सामना करना पड़ता है। टॉन्सिल का आमतौर पर ऑपरेट भी लिखा जाता है, लेकिन शुरू लेवल का केस हो तो टॉन्सिल बेहतरीन ठीक हो सकती हैं। चूँकि ये मसाइल फैमिली हिस्ट्री की बुनियाद पर भी हो सकते हैं, जीन्स लेवल की खराबियाँ भी हो सकती हैं, टीबी के असरात हो सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें कार्सिनोजन 200 की एक डोज दी जाती है। उसके अलावा टॉन्सिल उन बच्चों को ज़्यादा होता है या उन ख़ानदानों में ज़्यादा होता है जहाँ पे टीबी की हिस्ट्री होती है। तो दूसरे नंबर की जो पुड़िया दी जाती है वो ट्यूबरकुलिनम सीएम में दी जाती है, और अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो मेडोरिनम सीएम में तीसरे दिन दी जाती है। जो दवाइयाँ टॉन्सिल के हवाले से सुबह पर शाम इस्तेमाल की जाती हैं उसमें सबसे पहले बेलाडोना 200 रोज़ाना सुबह दें, हेपरसल्फ 200 रोज़ाना दिन को दें, ब्राइटा का तीसरे नंबर पे इस्तेमाल की जाती है। यानी एक्यूट फेज़ होगा तो बेलाडोना दें, अगर क्रॉनिक फेज़ होगा तो ब्राइटा कार्ब दें। लेकिन हम वैसे ब्राइटा कार्ब हेपरसल्फ 200 में सुबह दोपहर शाम दे देते हैं। उसके साथ साथ बायोकेमिक में अगर आप दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो काली में और फेरमफास बुखार को भी ठीक करती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है और टॉन्सिल को भी अच्छा ठीक करती है। मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।